इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर की मौत स्वाइन फ्लू बीमारी से हुई। हालांकि अभी स्वास्थ्य विभाग मामले को संदिग्ध मान रहा है। प्राइवेट अस्पताल की लैब में स्वाइन फ्लू कंफर्म हुआ है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग ने प्रोफेसर का सैंपल अभी सरकारी लैब में भेजा है। सरकारी विभाग को रिपोर्ट का इंतजार है, तभी कंफर्म हो पाएगा कि प्रोफेसर की जो मौत हुई है वह स्वाइन फ्लू से हुई है या अन्य बीमारी से। इंदौर में राष्ट्रपति का 2 दिवसीय दौरा है, इस लिहाज से भी स्वास्थ्य विभाग ने यूनिवर्सिटी में जांच के खास इंतजाम किए हैं। स्टूडेंट की भी काउंसलिंग की गई है। प्रोफेसर के संपर्क में जो लोग आए थे उनकी भी जांच कर सर्दी खांसी या अन्य लक्षण मिलने पर तुरंत रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा शहर में लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। अभी शहर में डेंगू के 341 केस सामने आए हैं। वहीं मलेरिया और अन्य बीमारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। मंकी पॉक्स को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। अभी डेंगू के जो केसेस आए हैं, अभी भी 15 केसेस अभी नए आए हैं, और ओवरऑल अगर टोटल केस की बात करें हम तो 329 केसेस हमारे अभी तक जिले में पॉजिटिव आए हैं, और उसमें से 15 केसेस जो है वो एक्टिव केसेस है, मगर कोई भी अभी अस्पताल में भर्ती नहीं है, वो घर पे ही उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और एक पहले डेथ रिपोर्ट हुई थी, अभी तक जो डेथ रिपोर्ट डेंगू की वजह से वो एक ही केसेस है। एक केसेस हमारा डीवीडी का जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय वहाँ पर एक स्वाइन फ्लू का केसेस हमको मिला था, और पहले सस्पेक्टेड था, उनकी फिर रिपोर्ट जो अपना भेजी गई है MGM में, वहाँ कल उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है स्वाइन फ्लू। और तो हमारी जो सर्वे टीम है उन्होंने वो जहाँ पर भी जॉब कर रहे थे वहाँ पर भी सर्वे कर लिया, वहाँ पर जितने भी लोग मिले उनका किसी को भी ऐसे कोई साइन सिम्टम नहीं मिले हैं। और उसके अलावा जो उनके घर के आसपास है वहाँ पर भी हमने साइन, उनका हिस्ट्री यही बता रहे हैं कि वहाँ पर कोई डेलीगेट आए थे मेक्सिको से, कोई आए थे उनके कॉन्टेक्ट में या कहीं रहे होंगे, उस वजह से उनका रहा है, और उनके ऊपर कोमॉर्बिडिटी रही है। डेली कहीं ना कहीं 10 या 15 केसेस 12 केस जरूर निकल रहे। तभी जो बरसात का सीजन रहता है इस सीजन में जरूर ये तकलीफ आती है, क्योंकि मच्छरों की जो ब्रीडिंग है वो जरूर बढ़ जाती है, और जहाँ पानी का जमाव की स्थिति कई बार रहती बरसात में, तो पानी की जमाव की स्थिति भी अगर कम हो जाए, मतलब जिस तरह से आप थोड़ा अपना अवेयरनेस आ जाए लोगों में। बहरहाल कुछ भी लक्षण पाए जाने पर अस्पताल में जाँच के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट।